तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 10 बेस्ट 5G मोबाइल अंडर 15,000। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए 10,000 या फिर 15,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर मैंने इंडिया के बेस्ट 10 5G मोबाइल को चूज किया है जो मिलता है सिर्फ 15,000 के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले हम लोग टॉप 5 बेस्ट 5G मोबाइल को देखेंगे जो मिलता है 10,000 के अंदर। तो आप अगर चाहते हो 10,000 के अंदर एक बेस्ट 5G मोबाइल, तो इन पांचों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो सबसे पहला डिवाइस आता है वो आता है इनफिनिक्स की तरफ से। जैसे ही पता है इनफिनिक्स बजट में काफी अच्छे अच्छे मोबाइल निकालता है, तो ये डिवाइस इनफिनिक्स की सबसे अच्छा एक बजट 5G डिवाइस है। ये है इनफिनिक्स की इनफिनिक्स हॉट 20 5G। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को आप जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगा, अप टू 580 पिक ब्राइटनेस की सपोर्ट। डिस्प्ले काफी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 MP का होगा, उसके साथ साथ एक AI लेंस भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6020 5G प्रोसेसर, जिसकी AnTuTu स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है। तो काफी तगड़ी आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। तो इस मोबाइल पे आप गेम भी खेल सकते हो काफी अच्छी तरीके से, फ्री फायर PUBG चल जाएगा। AnTuTu स्कोर काफी सही है। और दोस्तों, बात करें 5G बैंड की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10 5G बैंड। अदर बैंड पे आपको 8 या फिर 6 5G बैंड प्रोवाइड करता है, पर इनफिनिक्स इस मोबाइल पे आपको 10 5G बैंड देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अदर सभी फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 रन मिलेगा 113 की साथ। रैम की बात करें तो बेस वेरिएंट पे आपको मिलने वाला है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज, जो काफी सही है। तो दोस्तों, आप बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों इसकी जो बेस वेरिएंट है मतलब 4GB 128GB, उसकी प्राइस 11,500 यहाँ पे आप देख सकते हो। पर दोस्तों, ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस वो 10,500 आप देख सकते हो। पर दोस्तों, जब फ्लिपकार्ट पे सेल चलता है तो ये मोबाइल 10,000 के अंदर भी आ जाता है। तो दोस्तों, आप अगर सेल पे खरीदते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे ये 10,000 के अंदर मिल जाएगा, और नॉर्मल टाइम पे आपको 10,500 पे करना होगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, आप अगर 10,000 के आसपास एक 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो इनफिनिक्स के इनफिनिक्स हॉट 30 5G का जरूर जा सकते। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस आता है वो है इंडिया का सबसे सस्ता चीपेस्ट 5G मोबाइल, पर फीचर आपको काफी अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये है लावा की तरफ से लावा विलेज 5G। जी, तो एक एक करके इसकी सभी स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है, और जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 MP का मिलेगा और सेकेंड कैमरा 2 MP का मैक्रो मिलेगा, और उसके साथ साथ 0.3 MP का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें सेल्फी कैमरा की, तो आपको मिलने वाला 8 MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों, आप बात कर लीजिए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको मिलने वाला 2.2 GHz की MediaTek Dimensity 7000 प्रोसेसर, जो 7nm पे बेस है। और दोस्तों, एक 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB प्लस 3GB रैम मिलेगा, जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ UFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। आदर्श कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इस मोबाइल से आप यूट्यूब को बैकग्राउंड पे चला सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस वो 9,300 है, पर सेल पे 8,500 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो 8,500 पे 5G मोबाइल काफी अच्छी बात है। मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं है। और
तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस आता है वो आता है आईटेल की तरफ से, आईटेल P55। तो दोस्तों आईटेल ब्रांड को आप ऐसे वैसे मत समझना, ये इन्फिनिक्स की ही एक सब ब्रांड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि एक 5G डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जिसके एंटीटू स्कोर 4 लाख से भी ज़्यादा है। हाँ दोस्तों, तो इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इस मोबाइल पे आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हो, फ्री फायर, पबजी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ आपको 12GB का रैम मिल जाएगा, जहाँ पे 6GB इंटीग्रेटेड है और 6GB आपको वर्चुअल रैम मिलेगा। और दोस्तों 128GB का आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा, जो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो अदर फीचर में यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है, तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ बात करें कैमरा की, तो कैमरा इस मोबाइल की काफ़ी तगड़ी होने वाली है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा। उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। एंड्रॉइड 13 इस पर रन होगा। और दोस्तों इस डिवाइस की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाला 2 ईयर की वारंटी। हाँ दोस्तों 2 साल की वारंटी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम में इसकी जो प्राइस वो 10,500 रहता है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसकी जो प्राइस वो 9,000 के आसपास रहता है। तो 9,000 में काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, तो इस प्राइस पॉइंट पे इस मोबाइल को जरूर ले सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाता है। दोस्तों इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस वो 500 में मेरी फेवरेट है, इसकी प्रीमियम लुकिंग की वजह से। यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, उसके साथ साथ रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाता है। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको रिंग लाइट की फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज 2 5G, जो ब्लेज की अपग्रेडेड वर्जन है। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो, एक बजट डिवाइस है, पर बैक के लुक से लगेगा एक प्रीमियम सा एक डिवाइस है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विथ ऑरा लाइट। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छे एक फीचर होने वाले हैं बजट डिवाइस के हिसाब से। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाकी फीचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का LCD सेंटर कंसोल डिस्प्ले, जो प्राइस सबसे ठीक ठाक सा है। और प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी 6020 5G प्रोसेसर, तो प्रोसेसर काफी पावरफुल होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50MP का और 2MP का एक सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो आपको मिलने वाला 8MP का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर के बारे में फिर से मैं बता दूं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास की बैक, जहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। और दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विथ 5V कैमरा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W की फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो सभी कुछ फीचर आपको एकदम एक्स्ट्रा लेवल का मिल रहा है, और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। तो दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इसकी जो 4GB+64GB वेरिएंट है उसकी प्राइस 9999, मतलब 10,000 है। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट पे इस प्राइस पॉइंट में कोई भी 5G डिवाइस को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और कर भी रहा तो इतने सारे फीचर को नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ये है। तो आप अगर चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस को लेना, तो आप आग बंद करके इसके साथ जा सकते हो। काफी शानदार सा ये डिवाइस है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस है वो 500 में मेरे फेवरेट है, इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। इस 500 में आपको काफी पावरफुल सा एक चिपसेट मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 4Z2, जिसके एंटी स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है। तो आप अगर 10,000 के अंदर 5G वाला एक गेमिंग डिवाइस भी लेना चाहते हो, तो भी ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, और फीचर भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। तो बात करें ओवरऑल सभी चीज के बारे में, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से
काफी तगड़ी मोबाइल है। तो ये डिवाइस है पोको की तरफ से पोको M6 Pro 5G। तो दोस्तों अभी करंट टाइम पे इंडिया के अंडर 10,000 में सबसे अच्छा 5G मोबाइल यही है फीचर वाइज। तो एक ही करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है जो इस मोबाइल को एकदम प्रीमियम लेवल का बना देता है। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे ये एक 5G गेमिंग डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 2 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी जो एंथोस स्कोर वो 4 लाख से भी ज्यादा है। तो इस मोबाइल पे आप फ्री फायर पबजी हाई लेवल पे खेल सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी लैगिंग के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी टाइप की गेम प्ले आप इस मोबाइल पे कर सकते हो। तो आप अगर 10,000 के अंदर एक गेमिंग डिवाइस भी लेना चाहते हो तो ये मोबाइल काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और दोस्तों बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला बेस ब्रेड पे 4GB प्लस 128GB रोम। वहीं पे आपको दो ऑप्शन और भी मिलेगा 6GB 256GB और 8GB 256GB। वहीं पे बात करें डिस्प्ले की तो पोको की सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है। तो गेम प्ले के लिए 90Hz काफी फायदेमंद होने वाला है। और दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कैमरा भी आपको काफी तगड़े मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50MP का मिलने वाला है जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2MP का आपको एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 18W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB प्लस 128GB है उसके ओरिजिनल प्राइस 11,000 है पर मैक्सिमम टाइम आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है और कोई भी सेल पे आपको उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप देख सकते हो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 9,999 हो चुका है। तो अंडर 10,000 में ये मोबाइल काफी अच्छा है। उसके साथ साथ दो और वेरिएंट है 6GB 128GB जिसके प्राइस 12,000 है और 8GB प्लस 256GB जिसकी प्राइस आपको 13,000 है। तो आप प्रॉपर गेमिंग के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो 6GB 128GB आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकता है। तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रह गया और वैसे भी आप नॉर्मल यूज के लिए 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो 4GB 128GB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों बोनस पे और एक डिवाइस के बारे में बता देता हूँ जो हाल ही में इंडियन मार्केट पे लॉन्च हुआ है। यह है रेडमी की तरफ से रेडमी 13C 5G जो अंडर 10,000 में एक 5G डिवाइस है। तो इसके भी सभी फीचर को एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विथ 450 नीट पीक ब्राइटनेस। दोस्तों इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा 128GB प्लस 4GB 128GB प्लस 6GB और 256GB प्लस 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पे बात करें OS की तो यहाँ पे आपको Android 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB उसकी प्राइस 11,000 है और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम 10, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है और नॉर्मल टाइप पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों ये तो हो गया टॉप 5 बेस्ट 5G मोबाइल अंडर 10,000। अब बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट 5G मोबाइल अंडर 15,000। तो आपको अगर 15,000 के अंदर ऑलराउंडर या फिर गेमिंग या फिर कैमरा सेंटिंग 5G मोबाइल चाहिए तो इनमें से किसी को आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी अच्छा अच्छा फीचर मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को आगे बढ़ाते
नेक्स्ट डिवाइस है रेडमी की तरफ से रेडमी 12 5G। तो आपको 12,000 के अंदर बेस्ट 5G मोबाइल चाहिए तो इसकी से जरूर जा सकते हो। एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं आप। तो दोस्तों बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है जिसकी मदद से ये मोबाइल काफी प्रीमियम इन हैंड फील देगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विद 550 नीट पीक ब्राइटनेस। वहीं पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है, जिसके एंटूटू स्कोर 4 लाख के आसपास है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस डिवाइस पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा बेस ब्रांड पे। बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का है। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक डेप्थ कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस में आपको IP53 का रेटिंग मिल जाएगा, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 MIUI 14 पे रन होगा। तो दोस्तों ये तो इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है। उसके साथ साथ जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 13,500 है। और जो 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बात करें सेल की, तो अगर बड़ा सेल होता है तो जो रेडमी 12 5G की बेस ब्रांड है उसकी प्राइस 10,000 के आसपास आ जाता है। नॉर्मल टाइम पे आपको 500-1,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अंडर 12,000 पे आप अगर बेस्ट प्रीमियम एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप जरूर जा सकते हो Redmi 12 5G के साथ। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस और फीचर भी काफी तगड़े मिल जाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस वो आता है इनफिनिक्स की तरफ से इनफिनिक्स नोट 30 5G। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108MP प्लस 2MP प्लस आपको एक AI लेंस मिल जाएगा। वही मैं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16MP का फ्रंट कैमरा। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 45W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, एक घंटे पे आप आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, इस मोबाइल का आपको मिलने वाला है डुअल स्पीकर विद JBL ट्यूनिंग। हाँ दोस्तों, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी शानदार होने वाली है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट जो 6nm बेस है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 14 5G बैंड, जो इस मोबाइल को काफी अच्छी बना देता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में कोई भी आपको 14 5G बैंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इन्फिनिक्स की इस डिवाइस पे आपको मिल रहा है सिर्फ। और दोस्तों बात करो रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB यहाँ पे एक वेरिएंट होगा, जिसकी प्राइस 14,500 है। और दोस्तों जो दूसरी वेरिएंट है वो है 8GB प्लस 256GB, जिसकी प्राइस यहाँ पे आपको 15,500 मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप 1000 ज्यादा देके जो हायर वेरिएंट है वो ही लेना, वो आपको अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आप अगर कोई भी सेल पे इसे बाय करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। ये जो डिवाइस है 14,000 के अंदर आता है कोई भी सेल पे। तो फ्लिपकार्ट की कोई भी सेल पे आप अगर इसे बाय करते हो तो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाएगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों ये डिवाइस है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला G54। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी अच्छा से कैमरा डिवाइस है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का विद OIS मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड OIS को प्रोवाइड करता, पर आपको इस डिवाइस पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको रियर पे 8MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16MP का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps
एक्स्ट्रा वीडियो शूट कर सकते हो। इस मोबाइल की फोटो और वीडियो की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 5G चिपसेट जो 6 NM बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंथोसो स्कोर वो करीब करीब 4 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 8GB का मैसिव रैम और 128GB का रोम जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगते है काफी ज्यादा है। और बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा 33W फास्ट चार्जिंग की साथ। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटम्स स्टेरियो स्पीकर मिलेगा, IP52 के वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5x मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 13 पे रन होगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है और मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाले 12 5G बैंड जो काफी अच्छी बात है, कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको इस डिवाइस में नहीं आएगा। दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB उसका प्राइस 14,000 है, पर अभी यहाँ पे देख सकते हो 1,400 रुपी का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी जो प्राइस वो 12,600 हो चुका है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल है, तो आप अगर लेना चाहते हो इसे जरूर ले सकते हो। और जो 12GB 256GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस अभी 15,000 है, वहाँ पे भी आपको 1,400 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 5G। जैसे ही पता है इंडिया पे Note सीरीज काफी पॉपुलर है, उसी का ये डिवाइस काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। जी आप आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz के रिफ्रेश रेट, तो कंटेंट कंज्यूम के लिए ये डिवाइस काफी तगड़ी होने वाले है। वहीं पे आपको मिलने वाले 1200 nit पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और 120Hz रिफ्रेश रेट है तो गेमिंग में ये आपको काफी फायदे देने वाला है। और दोस्तों इसकी बात मेरा पर्सनल जो फेवरेट चीज है इसके परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट जो आपकी 6 NM पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। और दोस्तों इसकी जो एंथोसो स्कोर है ना वो 6 लाख के आसपास है, तो इस प्राइस पॉइंट में इतना पावरफुल डिवाइस मुझे नहीं लगता अदर कोई भी डिवाइस में है। तो इस मोबाइल पे आप कोई भी टाइप की गेम को एकदम हाई लेवल पे खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं, तो प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो। तो आप अगर ढूंढ रहे अंडर 15,000 में 5G एक गेमिंग डिवाइस तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों बात करो रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जब बेस वेरिएंट 4GB 128GB और दूसरे आपको 8GB प्लस 256GB वेरिएंट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद इसकी जो कैमरा है ना कैमरा भी काफी तगड़ी है, तो कैमरा के लिए भी आप अगर 15,000 में मोबाइल लेना चाहते हो ना तो भी इसे ले सकते हो। यहाँ पे रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब मेन कैमरा 48MP का होने वाला है, उसके साथ साथ आपको 8MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2MP का एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैं बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13MP का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको एक अच्छी चीज मिल जाता है, IP53 का रेटिंग मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33W के फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों बात करें इसकी प्राइस, तो इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास फ्लैक्चुएट होता है, अभी इसकी प्राइस 15,500 है, पर यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट की बात इसकी जो प्राइस वो 13,500 हो चुका है। इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों इसलिए इसकी जो आखिरी डिवाइस वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग M34। जैसे कि पता है सैमसंग की डिवाइस क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा। तो इसकी भी सभी डिटेल्स को जान लेते एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जब पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो, तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको 2MP का एक डेप्थ कैमरा भी
मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों फ्रंट और रियर की दोनों कैमरा काफी अच्छी है। और दोस्तों जैसे कि पता है सैमसंग की मोबाइल उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, तो इस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Exynos 1280 5G चिपसेट जो 5nm पे बेस है। और दोस्तों उसकी साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम और 128GB रोम भी मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाले, यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी है। दोस्तों और एक चीज इस मोबाइल के अच्छी लगी, यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 25W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सैमसंग की इस मोबाइल पे आपको 5 ईयर के अपडेट मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए ये मोबाइल काफी अच्छे ऑप्शन हो सकती है। वहीं पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 16,500 के आसपास रहते हैं, पर कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है और इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर एक 5G बेस्ट कैमरा मोबाइल को ढूंढ रहे हो तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने।